इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तारा चंद रावत, जिनकी पत्नी पलक रावत पिछले 5 वर्षों पार्षद रह चुकी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने पिछले 5 वर्षों में क्या काम किया। सारा जी, आपने 5 वर्षों में क्या क्या कार्य करवाए हैं जनता के लिए? सन 2012 में जो चुनाव हुआ, मेरी पत्नी पलक रावत पार्षद पलक रावत जी क्षेत्र में आई इन्हीं वादे और भरोसे के साथ कि हम चुनाव जीतने के बाद में बहुत अच्छा विकास कराएंगे। जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला, हमारी पत्नी चुनाव जीती और चुनाव जीतने के बाद हम लोग लगातार जनता के बीच। आपने मुख्य कार्य क्या क्या करवाए हैं जो आप गिना सकते हैं? हमारे यहाँ कभी आज इतिहास गवा रहा अनुमंडल कोरविज था, कभी नहीं मिल पाया, कभी बने नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही यूपी में, सेंट्रल दोनों में, लेकिन कभी नहीं वो नहीं करवा पाए। मेरी सरकार रही, मेरा विधायक रहा, मेरे पार्षद रहे, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ओरविज बन के तैयार हो गया। जितने भी मेन रोड थे हमारे यहाँ बड़े बड़े, सारे रोड बनवा दिए गए। हर एक कॉलोनी का विकास कराया गया, इंटरलॉकिंग सड़क, पेयजल की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था और समाधि पार्टी की जो पेंशन थी हर एक महिला तक पहुँचाने का काम किया गया। हमारे वार्ड में पेंशन काफ़ी लोगों को मिली, समाधि पेंशन, सारे विकास कार्य व्यापारी के हित में कार्य किया गया। हमारे यहाँ व्यापारियों के लिए काफ़ी समस्या थी, पेयजल पानी की पेयजल की वो पूरी व्यवस्था करा दी गई है हर तरीके से। और उसी के भरोसे के और विश्वास में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे सिंबल दिया, मैं क्षेत्र में हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद से जनता के लिए जा रहा हूँ। जो पूर्व विकास कर कराए गए उन्हीं विकास के नाम पे ही मैं जनता के से मिल रहा हूँ बराबर लगातार। बीजेपी के पास आज ऐसे हालात हैं कि विकास के नाम पे तो उनके पास कुछ है नहीं, केवल कुछ झूठे वादे करते रहते हैं। इस वजह से आज ऐसे हालात आ गए कि नगर निगम के चुनाव पे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी को गली गली जाना पड़ रहा है। ऐसे हालात में अब आप समझ सकते हैं कि नगर निगम चुनाव में क्या होने जा रहा। जनता की एक ही आवाज़ है, केवल समाजवादी पार्टी वोट करो, समाजवादी पार्टी को जिताइए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही उनको दिख रहा है, लग रहा है कि समाजवादी पार्टी क्षेत्र का विकास करा सकती है, अन्यथा कोई पार्टी क्षेत्र का विकास, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं करा सकती। मैं ये कहना चाहूँगा और सभी लोगों से अपील करूँगा कि समाजवादी पार्टी वोट करे, समाजवादी पार्टी जिताए। आपका हमारा सूर्यकांत यादव नाम है। पलक रावत जी के काम से आप कितना संतुष्ट हैं? हम पलक रावत जी के काम से बिल्कुल संतुष्ट हैं और हम लोग इनके साथ में जा रहे हैं, लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। हमारे समाज पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने बहुत सारा काम किया, हमारे क्षेत्र की पार्षद हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और हम लोग चाहते हैं कि दोबारा फिर हमारे समाजवादी पार्टी की जनजीवन को जिताया जाए और फिर उससे उतना ही उससे ज़्यादा काम करा सकें। क्या नाम है भाई साहब आपका? भाई हमारा नाम तारा चंद्र जी के साथ साथ कितना समय से भाई बराबर समय है उनकी फलक बराबर है बराबर काम किया है बराबर माटी जो समय पर बुलाया जाए उस समय पर हाजिर हो रही है। संतुष्ट हम जो कुछ तारा चाह रहे हैं जीतना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि तारा भाई जी